हेलो व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। मैं आपकी शेफ़ समीना गुज़ैर आपकी खिदमत में एक नई रेसिपी के साथ हाज़िर हूँ। गर्मी है बहुत, जहाँ पे लंदन का वेदर बहुत गर्म है, पाकिस्तान में भी, एशिया में भी आपको पता है कि सख्त गर्मी है। तो गर्मी की मुनासिबत से एक ड्रिंक लेके हाज़िर हुई हूँ। ड्रिंक जो है वो आजकल इतना ये मशहूर हुआ हुआ है, अगर आप जाएँ शादियों में, पार्टीज़ में जाएँ या शादियों में जाएं तो एज ए वेलकमिंग ड्रिंक एक ड्रिंक आपको ऑफ़र किया जाता है। तो इतना सिंपल है बनाने के लिए, मैंने सोचा कि गर्मी भी बहुत है तो ये वाला जो ड्रिंक है आज, इसकी रेसिपी क्यों ना शेयर की जाए। तो एक मॉकटेल है, कहते हैं इसको कॉकटेल है, कॉकटेल नहीं बना रही क्योंकि अल्कोहल नहीं है इसमें। फ़र्क यही है कॉकटेल और मॉकटेल में कि जो मॉकटेल है उसमें अल्कोहल नहीं जाती। बेसिकली ये जो मैं आज बना रही हूँ, नाम है इसका मोहितो और स्पेनिश हाई बॉल है, बार्स में सर्व किया जाता है इसको। और क्योंकि मेक्सिको में काफ़ी अरसे तक स्पेन का कब्ज़ा रहा तो स्पेनिश इन्फ्लुएंस जो है वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा, तो ये मैक्सिकन ड्रिंक भी है, मेरा बहुत फेवरेट है। इसकी सोचा तो था कि आपको बहुत सारे मैक्सिकन ड्रिंक्स आज बनाने सिखाऊंगी, लेकिन ये इसी एक ड्रिंक की इतनी वेरिएशन थी, मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहती थी। और मैंने सोचा कि पहले इसको हम दो चार तरीके से हम इसको बनाएंगे और इसके बाद ऐसा होगा कि नेक्स्ट एपिसोड में हम जो है वो अपने थोड़े से और ड्रिंक्स बनाने सिखाएंगे। और एज ए स्टार्टर ये सबसे बेस्ट ड्रिंक मुझे जो लगा वो मैं आपकी खिदमत में लेके आई हूँ। तो मोहितो बनाते हैं आज, तो मैं दिखाती हूँ आपको इंग्रेडिएंट्स और जैसे जैसे हम फिर आगे रेसिपी को चलाते हैं, जैसे जैसे हम रेसिपी आगे चलाएँगे, आपको पता है हम बातें तो करते रहते हैं। तो जो बेसिक, जो सबसे बेसिक मोहितो है उसके इंग्रेडिएंट्स तो बहुत कम हैं। उसमें एक तो शुगर जाती है, शुगर सिरप जाता है जो कि हम अभी यहाँ आपको बनाना सिखाएंगे। शुगर सिरप है, आइस है, वाइट रम उसमें जाती है जो कि आज हम स्किप कर रहे हैं, और उसमें जाता है लाइम और उसमें जाता है मिंट। तो ये थोड़े से उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो हैं, और सोडा वाटर उसमें जाता है। तो ये जो बेसिक है मोहितो, उसमें ये सिर्फ इंग्रेडिएंट्स जाते हैं। अब हमने इसको किस तरीके से, वेरिएशंस इसमें कितनी है वो हम आज आपको दिखाएंगे। तो चलें पहले इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाते हैं। ये सबसे पहले तो मैंने आइस रखी हुई है, उसके बाद ये मेरे पास एक कप शुगर है और एक ही कप पानी है जो कि हम सिरप बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर मेरे पास लाइम है और ये हमारे पास मिंट है, और ये हमारे पास स्ट्रॉबेरी और थोड़ा सा हमारे पास वाटरमेलन है। अच्छा, हम इसमें इक्वल अमाउंट में पानी और इक्वल अमाउंट में हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। ये देखें ये शुगर थोड़ी सी ज़्यादा मैंने रखी है, मैं आपको वजह उसकी बताती हूँ। उसको थोड़ा सा मैं रख लूँगी अपने पास, जो कि बाद में मैं आपको दिखाऊँगी कि इसको मैंने कैसे इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पे हमारा शुगर सिरप जो है वो बन रहा है। होना तो ये चाहिए था कि ये शुगर सिरप पहले बना के रखते, लेकिन मैंने आपको दिखाना था इसकी क्वांटिटी, और मैं आपको दिखाना चाहती थी कि बिल्कुल स्क्रैच से ये ड्रिंक हम कैसे बनाते हैं। आजकल वाटरमेलन सीज़न में है, तो बस उसको देखते, जैसे गर्मी को आप देखते हैं ना कि इतनी ज़्यादा गर्मी है, तो फिर साथ ही हमें जिस चीज़ का ख्याल आता है वो वाटरमेलन है। बिल्कुल ये जस्ट फ्रूट जो है, ये पानी का ही बना हुआ फ्रूट है। अच्छा, हम इसके ना थोड़े से स्लाइसेस कर लेते हैं यहाँ पे रख के। देखें, हमें इसके पतले पतले से स्लाइसेस करने हैं, थोड़े से हमें स्लाइसेस इसके चाहिए, हमें ज़्यादा इसके स्लाइसेस नहीं चाहिए। ये स्लाइसेस हम जो है वो अपनी इस प्लेट में रख लेते हैं। तो ये मेरे लिए नहीं है, इसको हम यहाँ पे रखेंगे। अच्छा, ऐसे करते हैं कि अब हम ये थोड़े से इस अपने ड्रिंक को थोड़ा सा प्रीटी बनाने के लिए, हमारे पास ये एक टूल है जो कि बॉल्स बनाता है लेम इसके वाटर मेलन, ये मेलन के लिए और ये वाटर मेलन के लिए, दो साइज़ में ये आता है। तो हमें क्योंकि वाटरमेलन के बॉल्स बनाने हैं, और आप चाहें तो कोई छोटे और कोई बड़े अगर बनाना चाहें तो दोनों साइड से इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसका तरीका ये है कि इसको पूरा यूं करके आपने इसके ऊपर रखना है, ये ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ थोड़ा सा ड्रिंक को प्रीटी बनाने के लिए हमने इस यूं करके इसको स्कूप आउट कर लिया बिल्कुल राउंड। ये देखिए कितना अच्छा बॉल बन गया इसका। तो ये बॉल हम यहाँ पर रखेंगे,
बिल्कुल सीधा आपने ये टूल यूज़ करना है, यूं करके सीधा रखना है इसको और उसको नीचे पुश करना है और राउंड से घुमाते जाना है, तो ये बिल्कुल एक बोल की शेप में आ जाएगा। तो ये हम थोड़े से ना बोल जो है वो बना लेते हैं यहाँ पे। थोड़ा सा इसका पल्प जो है मुझे वो वैसे ही चाहिए, वो भी मैं इसको काट लेती हूँ यहाँ से, थोड़ा सा पीसेज में, रफ पीसेज में काट लें, कोई उसका वो है नहीं है कि इसको आपने, बस इस हद तक हमने इसको बनाना है कि ये शुगर जो है वो मेल्ट हो जाए और एक थिक सा सिरप हमें मिल जाए। अभी ये शुगर सिरप जो है वो बना नहीं है। ये देखें हमारे पास आ गया मिंट थोड़ा सा। अब मिंट जो है वो कुछ तो हमने इसमें पूरा पूरा जो मिंट है वो हमने इसमें डालना है विद स्टिक्स, तो उसको तो मैं यहाँ पे वैसे ही रखूँगी। हम ऐसे करते हैं कि ये जो थोड़ा सा हमारा मिंट है वो हम ऐसे ही रहने देंगे, उसके जो थोड़े से हम ये थोड़े से जो हैं वो हम हटा सकते हैं। जब भी आप अपना मिंट के लीव्स उतारें तो यूँ इस शेप में पकड़ के यूँ किया करें, तो ये ज़्यादा फ्लेवर इसका मिंट का ज़्यादा फ्लेवर आएगा। जो हम ये इनके फालतू वाले लीव्स हैं यहाँ से ये हटा लेते हैं, ठीक है। तो अब हम ऐसे करते हैं थोड़ी सी हम अपनी स्ट्रॉबेरी भी काट लेते हैं। स्ट्रॉबेरी के हमने करने हैं स्लाइसेस यूं करके, आप चाहें अगर आपको लगता है कि ये बहुत बड़ी है तो आप इसके स्लाइसेस जो हैं वो छोटे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको छोटे स्लाइस भी कर देती हूँ। ये हो गए छोटे स्लाइसेस, हाँ जी आ गया। अब हमारा जो इसका एक ऐसा इंग्रेडिएंट जिसके बगैर ये कंप्लीट नहीं होते, और एक्चुअली कोई भी मैक्सिकन मॉकटेल लाइम के बगैर कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि लाइम जो है वो ही उसको एक किक जो ड्रिंक की होती है वो लाइम से मिलती है, तो लाइम जो है इसमें बहुत ज़रूरी है, लाइम के बगैर ये ड्रिंक नहीं बनेगा, ठीक है। तो हम इसके करते हैं स्लाइसेस, ये हो गए हमारे थोड़े से लाइम, और ये देखें ये कलर अच्छा है, हम इसको हम इसे छोटे छोटे स्लाइसेस में काट लेते हैं। और ये जो हिस्सा है ये हम इसको भी ज़ाया नहीं करेंगे, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं जूस निकालने के लिए। हम यहाँ पे थोड़ा सा लाइम का जूस भी तैयार कर लेते हैं, और लाइम जो है वो किस तरीके से इसको काटना है मैं आपको दिखा दूँ। ये तो ओवर राइप है, अगर ओवर राइप नहीं भी होंगे तो हमारा क्या तरीका है कि इसको थोड़ा सा यूँ करके इसको हाथों से स्क्वीज़ कर लें, या माइक्रोवेव में रखें 30-40 सेकंड के लिए, तो ये ज़्यादा जूस निकलेगा इसका। इसमें सीड्स नहीं है, अगर सीड्स हों तो फिर ये तरीका है कि अपना हाथ नीचे रख लें और वो आपको सीडलेस जूस मिलेगा, ये देखें। और अगर आप मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं और आपको लगता है कि आपके पास इससे भी कोई अच्छी रेसिपी है, कोई ड्रिंक की रेसिपी है, कोई खाने की रेसिपी है, और वो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मैं जो है वो आपको अपने किचन में यहाँ TV99 के स्टूडियो में यहाँ पे वेलकम करूँगी। आप यहाँ आके अपनी रेसिपी बना के हमें दिखा सकते हैं, या फिर हमें अपने घर में इन्वाइट करें, हम आएँगे आपके घर में। आप इन्वाइट तो करें, हम ज़रूर पहुँचते हैं, तो इंतज़ार रहेगा हमें। अच्छा, जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि कोई भी सीज़न का फ्रूट आप इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे मैंगो के साथ भी आप इसको बना सकते हैं, तो वो एक नई चीज़ होगी, बस इस पे एक्सपेरिमेंट करते जाएं और आपको पता चलता जाएगा कि ये नया एक टेस्ट जो है वो बन जाएगा उसमें। अच्छा, शुगर सिरप जो है ना वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है, ये देखें
आपने देखा ये थोड़ा सा थिक हो गया, हमें बस इतना ही थिक ये चाहिए। अब इसको ना हम रख बंद कर देते हैं, फायर को ऑफ कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेते हैं। ये अब ऐसे करते हैं कि हमारे पास यहाँ पे कुछ ग्लासेस हैं, ये हमारे पास सोडा वाटर है, ये हमारा फ्रूट तैयार हो गया, ये लाइम, हमारे लाइम के वेजेस जो हैं वो तैयार हो गए हैं, हमारा मिंट, ये हमने स्टिक के साथ भी कुछ रखा है और थोड़ा सा हमने रखा है, हमने इसको लीव्स उतार के रखे हैं। तो ऐसे करते हैं थोड़ी सी जो आइस है ना, हम थोड़ी सी आइस को क्रश कर लेते हैं। अच्छा, हमने इसमें आइस डाल दिया, अब इसे थोड़ा सा हम आइस को चॉप करते हैं। अच्छा, अब ऐसे करते हैं कि हम अपने ड्रिंक को स्टार्ट बनाने की तरफ चलते हैं कि किस तरीके से इसको असेंबल करना है, असेंबल करने की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ही हम टू स्लाइसेस जो हैं वो लेते हैं, यूं करके टू स्लाइसेस लेने हैं हमने, और थोड़ी सी शुगर जो मैंने बचा के रखी हुई थी, ये थोड़ी सी शुगर जो है, ऐसे करते हैं इसको हम इस स्पून के साथ लेते हैं। तो ये देखें, ये थोड़ी सी जो शुगर है वो मैं इसमें डाल रही हूँ। अब रीज़न क्या है इस शुगर को डालने की, कि हमें थोड़ा सा ये जो ड्रिंक है उसको, क्योंकि हमें इस लाइम को और जो ये पुदीना है या मिंट है, इसको हमने थोड़ा ब्रूज करना है। ब्रूज इसलिए करना है ताकि ये थोड़ा सा अपना फ्लेवर रिलीज़ कर दे। हमने इसे इस हद तक क्रश की हद तक नहीं करना, बस थोड़ा सा सिंपली हमने इसको टच करना है। और एक जो ये क्रश करने के लिए पिन है वो इस वक्त मेरे पास नहीं है, तो ऐसे करते हैं कि हम इसमें रोलिंग पिन जो है वो इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब हमने आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके इसको हमने इस तरह करना है कि मिंट की जो लीव की शेप है वो नहीं ख़राब होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा ये ड्रिंक जो है वो इसका फ्लेवर निकल जाए। थोड़ा थोड़ा सा हमने इसको ब्रूज करना है आराम से, ये देखें जी, ये आप देख सकते हैं कि इसका जूस जो है वो निकलना शुरू हो गया। तो हम इस तरह करते हैं कि अब इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा हम इसमें ये जो लेमन का जूस हमने निकाला था वो भी इसमें ऐड करते हैं, और थोड़ा सा हम इसमें सोडा जो वाटर है, सोडा वाटर वो हम इसमें ऐड करेंगे। थोड़ा सा सोडा वाटर हमने इसमें ऐड किया, हाँ। और अगर आप चाहें कि अपने मोहितो को थोड़ा सा सोल्ट डाल ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक रेसिपी है उसमें ये सोल्ट नहीं जाता। अच्छा, तो ऐसे करते हैं हम, ये शेकर है हमारे पास, कॉकटेल शेकर। जैसा कि मैंने बताया कि हम कॉकटेल तो नहीं बना रहे, हम बना तो मॉकटेल रहे हैं। हमने थोड़ा सा इसको हला लिया, अब चाहें तो आप इसको स्ट्रेन कर दें। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसके स्ट्रेनिंग के लिए ये सुराख लगे हैं, लेकिन मुझे क्योंकि ये बहुत अच्छे लगते हैं, इसके अंदर थोड़े से छिलके वगैरह, तो मैं इसको दोबारा यहीं पे रखूँगी इसके अंदर ही। ये जो शुगर सिरप बनाया है, ये होना तो वैसे ठंडा चाहिए था, लेकिन क्योंकि मैंने आपको दिखाने के लिए बनाया अभी से, तो ये थोड़ा सा गर्म है, लेकिन क्योंकि जब हम आइस डालेंगे तो ये खुद ही ठंडा हो जाएगा। हमने थोड़ा सा इसमें शुगर सिरप डाल दिया, ये देखें शुगर सिरप भी हो गया। अब जो है हम ऐसे करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं ताकि ये थोड़ी सी अच्छी सी लुक इसकी आए। हमने एक छोटा सा इसको कट लगा दिया, मुझे इसको शेप करके ज़रा रखना अच्छा लगता है इसके अंदर। तो ये देखें लगा दिया हमने, थोड़े से पत्ते हम साइड्स पे सजाएंगे, ठीक है करके। कई दफ़ा हमें किचन में गैजेट्स होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कौन सा गैजेट जो है हमने किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है, या कौन सा टूल जो है वो किस चीज़ के लिए है। तो अगर राइट चीज़ को इस्तेमाल करेंगे आप, तो आपका रिज़ल्ट जो है वो ज़्यादा अच्छा आता है, लेकिन अगर कभी नहीं हो तो भी हम चीज़ों को वो रिसाइकल भी कर लेते हैं और यूज़ भी कर लेते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। आप नॉर्मल स्पून के साथ भी इसको कर सकते हैं।
अच्छा, अब हम ऐसे करते हैं कि ये थोड़ा सा हम इसे डेकोरेट कर लेते हैं। एक कट लगाया यहाँ पे, बहुत सिंपल है, और हमने इसको यहाँ पे अपने ग्लास के ऊपर लगा दिया। तो ये हमारा जो है थोड़ा सा नीचे पुश करना है, क्योंकि आइस है तो आइस में वो पुश नहीं होगा। अच्छा, ये हो गया। और इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप थोड़े से एक्स्ट्रा पीसीज जो हैं वो लाइम के वो इसमें ऐड करें। अच्छा, ये देखें कि मैंने क्या किया कि जब पूरा ड्रिंक तैयार हो गया तो उसको मैंने एक लाइम वेज को थोड़ा सा कट लगाया और उसको यहाँ पे साइड पे डेकोरेट कर दिया। और क्योंकि मुझे नज़र आ रहा था कि लाइम के जो वेजेज़ हैं वो थोड़े से कम हैं, तो मैंने क्या किया कि थोड़े से उसको अंदर मैंने पुश करके आइस के अंदर डाल दिया। तो ये देखिए कितना प्रीटी ड्रिंक तैयार हो गया। अब है क्या, कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये तो था जो प्रॉपर इसका बनाने का सही तरीका था। अब हम ज़रा जल्दी जल्दी से करेंगे और मैं आपको बताऊँगी कि घर में हम जल्दी जल्दी से कैसे इसको बना सकते हैं। एक हमने ग्लास लिया। आपकी दफ़ा हमें ये जो शुगर है वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम ऐसा करेंगे, हम इसमें अभी शुगर सिरप जो है ना वो वैसे ही हम ऐड कर लेंगे। तो हमने यहाँ पे थोड़ा सा शुगर सिरप ऐड किया, क्योंकि अब मैं वो वाला तरीका आपको बताना चाह रही हूँ जो कि हम घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं। जल्दी जल्दी से कोई आया और जल्दी से हम इसको बनाएंगे। तो ये हो गया, हमने शुगर सिरप इसमें ऐड किया। अब हम ऐसे करते हैं कि हम इसमें जो लाइम, क्योंकि लाइम के बगैर तो ये बन ही नहीं सकता ड्रिंक, तो हमने इसमें थोड़े से लाइम डाले। हमने थोड़ा सा लेमन जूस इसमें इसीलिए ऐड कर दिया, क्योंकि अब इस दफ़ा हम इसको क्रश नहीं कर रहे हैं, तो हमने थोड़ा सा लाइम जूस जो है वो इसमें ऐड कर दिया। अब ऐसे करते हैं कि हम ये जो हमने स्लाइसेस बनाए थे ना, इनको जस्ट अंदर अच्छी तरह से इनको पुश इन कर देते हैं। ये देखें, ठीक है। और इनके दरमियान मैं थोड़े से मिंट के जो लीव हैं वो डालना चाहती हूँ। अच्छा, जब आप अपनी शिकंजवी बनाते हैं, अगर आप अपनी शिकंजवी जो बनाते हैं उसमें भी ये चीज़ें ऐड करें, तो कितनी अच्छी वो शिकंजवी तैयार हो जाएगी, थोड़ी सी डिफरेंट होगी। ये देखिए, हमने इसमें थोड़ा सा ये जो हमारे वाटरमेलन था वो ऐड किया। थोड़ा सा हम मिंट जो है इसमें थोड़ा सा और ऐड करते हैं। अब ऐसे करते हैं, इसमें थोड़ी सी आइस डाल देते हैं। और इस दफ़ा जो आइस हमने डालनी है वो ज़रूरी नहीं है कि हमने जो क्रश की हुई है वो डालें, अब हमने इजी क्योंकि वे में करना है। तो ये देखें, ये जो आइस हमारे पास पड़ी हुई है, हम थोड़ी सी ये आइस वैसे ही रख देते हैं इसमें, क्योंकि अभी इसने मेल्ट तो हो ही जाना है। थोड़े से जो हमने ये काट के रखे हुए थे ये वाले क्यूब्स, ये इसके ऊपर डाल देने हैं हमने। और चाहे आप इस स्टेज पे चाहें कि आपको लगता है कि फ़्लेवर जो है इसका ज़्यादा अच्छे से नहीं निकल रहा, तो थोड़ा सा आप इसको यूँ इसी ग्लास के अंदर भी क्रश कर सकते हैं, या यहाँ पे भी आप इसको थोड़ा सा क्रश करके। चले, मैं आपको दिखाई देती हूँ कि अगर आप ये ग्लास ले लें और इसमें थोड़े से ये डालिए और थोड़ा सा पेमेंट भी डाल लेते हैं। इसको आपने यूँ करके ये देखें आपने इसको ना थोड़ा सा यूं करके ब्रूज कर लेना, ताकि ये जो फ्लेवर है वाटरमेलन का वो सिर्फ वाटरमेलन के अंदर ही नहीं रहे। ये देखें, इसको हमने जो क्रश किया हुआ है वो इसमें हमने डाल दिया यूं करके, ठीक है। ये हो गया। अभी इसमें हम सोडा वाटर ऐड करेंगे। और अगर कभी आपको लगे कि सोडा वाटर दस्तयाब नहीं है आपके पास, तो आप स्प्राइट या सेवन अप से भी इसको बना सकते हैं, और ही ज़्यादा आपकी जो ज़िंदगी है वो आसान हो जाएगी। ये देखें, तो थोड़ा सा शुगर सिरप आप इसके ऊपर भी ऐड कर सकते हैं। कितना सिंपल है, देखिए। हमने इसको एक एक करके स्टिक को डाल दिया करके, चलिए। अब हमारे दो ड्रिंक्स तैयार हो गए हैं, अब हम एक तीसरा ड्रिंक बना लेते हैं। आपकी दफ़ा जो हमने ड्रिंक बनाना है वो मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको, क्योंकि हम वेरिएशन दिखा रहे हैं तो स्ट्रॉबेरी के साथ दिखाएं। तो ये अभी हम जो है स्ट्रॉबेरी वाला बनाएंगे। ये एक हमारे पास जो ग्लास है इसमें हम स्ट्रॉबेरी वाला ये बनाएंगे। और ये देखें, इसमें हमने एक लेमन यूज़ किया। अगेन वही तरीका है, थोड़ा सा आप चाहें तो इस स्ट्रॉबेरी को आप थोड़ा सा उसी तरीके से
आपको ज़रूरत नहीं है कि कोई बर्तन वगैरह आपने लिया, आपको एक और तरीका भी दिखा देती हूँ कि आपने जहाँ पे आपका ये वर्किंग बोर्ड है उसके ऊपर आपने इसको थोड़ा सा यूं करके क्रश कर लिया, या ऐसे करके आपने इसको क्रश कर लिया, तो ये थोड़ा सा क्रश जो है वो फ्लेवर देता है इसमें। यूं करते हैं कि अब हम थोड़े से ये जो स्लाइसेस बनाए हुए हैं स्ट्रॉबेरी के, ये यहाँ पे रखते हैं, और मिंट जो है वो इसमें हम ऐड कर देते हैं यूं करके। अच्छा, अब इसमें हम ऐसे करते हैं, थोड़ा सा शुगर सिरप जो है वो ऐड कर लेते हैं, जो कि हमने सिरप बनाया वो इसमें हम ऐड करते हैं। और इस दफ़ा आप चाहें तो जो हमारी वो क्रश की हुई आइस है वो भी थोड़ी सी हम इसमें यूज़ कर लेते हैं। ये हमारे पास क्रश वाली आइस भी पड़ी हुई है। यानी ये आइडियाज़ हैं, आपको मैं आइडियाज़ दे रही हूँ कि इस ड्रिंक को आप कितने तरीक़ों से बना सकते हैं। और अगर क्रश वाली आइस है तो क्रश वाली आइस आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास क्यूब्स में है तो आप क्यूब में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम ये जो लीव्स हैं वो इसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं, ये देखें, क्योंकि अभी आइस है तो ये नीचे नहीं जा रहे, अभी थोड़ी देर के बाद ये खुद ही नीचे जाना शुरू कर देंगे यूं करके। और आई थिंक एक और हम इसमें लगाएंगे लीव, यूं करके हो गया ये। अब हम इस पर थोड़ी सी एक्स्ट्रा जो हमारी स्ट्रॉबेरी है वो रखेंगे यहाँ पे, और चाहें तो आप चाहें तो इसको स्ट्रॉबेरी के साथ डेकोरेट भी कर सकते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे करते हैं, दिखा देते हैं आपको। ये हम एक स्ट्रॉबेरी ले लेते हैं यहाँ पे, ये देखिए छोटा सा कट हमने स्ट्रॉबेरी को लगाया, हमने स्ट्रॉबेरी यहाँ पे डेकोरेशन के लिए इस्तेमाल कर लिए यूं करके। और इसमें अब हम इसमें सोडा वाटर जो रह गया वो हम ऐड करेंगे थोड़े से, ये इसको प्रीटी बनाने के लिए थोड़ा सा हम इसमें जो मिंट है वो थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं, थोड़ा सा हाथ के साथ या किसी भी शार्प चीज़ के साथ। आइस के बाद आप इसको जस्ट पुश इट इन, सो जब साइड से ग्लास नज़र आएगा तो आपका जो साइड से जो ग्लास नज़र आता है बिल्कुल सिंपल, सिर्फ आइस नहीं नज़र आएगी, उसमें आपको थोड़ा सा ये मिंट भी नज़र आएगा। ये देखें, अब हम इसमें थोड़ा सा सोडा वाटर ऐड करते हैं। एंड तक इसको भरें, अच्छा लगता है। एक ये वाला जो हमने ड्रिंक बनाया इस पर हम ट्राई करते हैं कि अगर हमारा ये बोल जो है ये भी इस पर लग जाए। अब इसको हम ज़रा ज़्यादा अच्छे तरीके से देखें, आइस जो है वो थोड़ी सी मेल्ट हो गई है, तो इसको हम ज़रा ज़्यादा नीचे पुश कर सकते हैं। हम ये जो बोल बनाया वो भी ट्राई कर लेते हैं यहाँ पे लगाने के लिए, लग गया बोल भी, नहीं लगेगा बोल तो ये जो हमने इसका ये बनाया हुआ ये भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसके लगाने में भी। हमने सिर्फ ग्लास को, इसका मकसद सिर्फ ग्लास जो है उसको प्रीटी बनाना है, और इसका कोई मसला नहीं है, और इसका वो कोई फ़ायदा नहीं है जैसे प्रीटी बनाने के लिए आपके ड्रिंक को। अच्छा, अब एक और जो ड्रिंक हम बनाना चाहते हैं, बस वो आखिरी वाला ड्रिंक होगा जो इन्हीं चीज़ों का जो कम्बिनेशन है, जैसे स्ट्रॉबेरी और वाटरमेलन का कम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो हमारे पास क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी पड़ी हुई हैं तो हम क्यों ना ऐसा करें कि एक और ड्रिंक बना लेते हैं। जो एक और ड्रिंक हमने बनाना है वो अब तो आप लोगों को मेरे से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से पता चल गया कि क्या करना है। थोड़ा सा हमने इसमें मिंट ऐड किया, और हमने ये जितने भी हमारा वाटरमेलन बचा हुआ था ये है ये वाला, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। हमारे पास थोड़ा सा ये वाटरमेलन जो पड़ा हुआ है, ये अगर आप देखें कि हमारे पास थोड़ा सा वाटरमेलन पड़ा है, इसी में हम एक स्ट्रॉबेरी डाल के ऐसे करते हैं, एक स्ट्रॉबेरी भी इसमें डाल लेते हैं और थोड़ा सा इसको भी क्रश कर लेते हैं, ताकि ये दोनों चीज़ों का जो फ्लेवर है वो मिक्स होके आए तो अच्छा लगेगा। मैं जब भी कोई भी कॉकटेल या मॉकटेल्स बनाती हूँ उसमें मैं जो फ्रूट है वो बिल्कुल फ्रेश फ्रूट इस्तेमाल करती हूँ, तो यही सीक्रेट है आज सबको मैं टीवी पे बता रही हूँ कि फ्रेश फ्रूट का जो आपको सिरप, जो आपको फ्रेश फ्रूट का टेस्ट आएगा वो किसी और चीज़ का टेस्ट आपको उस तरह डिब्बों वाले जो जूस होते हैं या बोतल वाले जूस होते हैं उसमें वो वाला आपको टेस्ट नहीं आएगा। तो ये ऐसे किया हमने कि जो थोड़ा सा हमने क्रश करके स्ट्रॉबेरी मिंट और स्ट्रॉबेरी मिंट
और वाटरमेलन हमने इसमें क्रश करके डाल दिया। अब हम ऐसे करते हैं कि थोड़ा सा हम इसमें शुगर सिरप जो है वो ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल मीठा नहीं होगा, तो खट्टा होगा ये, और थोड़ा सा फ्रूट का अपना फ्लेवर तो थोड़ा ही होता है, तो मिंट से थोड़ा सा इसको वो मिंट का जो टेस्ट है बिटर आ जाएगा। तो अब बिटर, स्वीट एंड सिट्रिकी और फ्रूटी फ्लेवर जो है वो उससे, और फिर ये ठंडा हो गया तो उससे ये ड्रिंक बनेगा। अब हमने ये जो प्रीति से बोल बनाए थे, हम इसको भी थोड़ा सा इस बोल्स जो है वो इसमें रख लेते हैं। जस्ट इसको इसमें जो चीज़ें वो पुश इन करते जाएं, तो आप देखेंगे कि आपके ये जो ड्रिंक है वो कितने अच्छे बनते हैं। और क्योंकि ये जब आइस ख़त्म होगी, पानी बनेगा, तो ये थोड़ा सा खाली हो जाता है। ये देखें, हमने इसको यूं करके डाल दिया, और अब हम इसमें थोड़ी सी आइस डालते हैं। ये देखें, हमने थोड़ी सी इसमें आइस डाल दी। और जब भी आप मोहितो बनाएं, तो आप ग्लासेस जो हैं ये हाई बॉल ग्लासेस जो हैं ये यूज़ करें, क्योंकि ट्रेडिशनली ये इन्हीं ग्लासों में बनता है, और इन्हीं ग्लासेस में ये अच्छा लगता है। थोड़ी सी मॉडर्न लुक देने के लिए अगर आपने थोड़ा चेंज करना है तो कर सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली ये इन्हीं ग्लासों में बनता है, और इन्हीं ग्लासों में ये अच्छा भी लगता है। तो थोड़ी सी आइस हमारे पास यहाँ पे भी है, क्रश वाली, वो भी हम इसमें ऐड करते हैं। ये देखें, थोड़ी सी आइस हमने इसमें ऐड कर ली। अब क्या रह गया कि अब इसको ये थोड़ा सा हम इसको लाइम जो है वो हमने इसमें नहीं ऐड किया था अभी तक, वो हमने इसमें देखें दो हमने लाइम डाल दिए, और थोड़ा सा जो हमारा लेमन जूस पड़ा हुआ था वो हमने इसमें ऐड कर लिया यूं करके, ठीक है। और ये जो हमारे पास थोड़ा सा फ्रूट बचा है वो हम इसमें यूं करके डाल लेते हैं। ये देखें, अब इसको अगर आपने डेकोरेट करना है तो आप इसको इस तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं कि इसको एक बोल लगा लिया और एक आपने इस पर स्ट्रॉबेरी लगा ली। तो हम यहाँ पे एक बोल लगाते हैं यूं करके, सोडा वाटर वो हम इसमें ऐड करेंगे। स्लोली आपने इसको ऐड करना है। लाइम का एक वेज जो है ये था, हम इसको भी ये स्ट्रॉबेरी वाले में ऐड कर देते हैं यूं करके। अब जितना हमारे पास ये फ्रूट बचा हुआ है, हम चाहते हैं कि हम ये फ्रूट को ज़ाया नहीं करें, और हम इसको ये इसमें ऐड करते जाएंगे। सो व्यूअर्स, ये देखें कितने आसान तरीके से हमने ये कुछ ड्रिंक्स बनाए हैं। मोहितो कहते हैं इनको, स्पेनिश, मैक्सिकन, जो भी आप इनको कहें, दोनों मुल्कों में पॉपुलर है, अब ऑल ओवर वर्ल्ड पॉपुलर हो रहा है। पार्टीज़ में इस्तेमाल किया जाता है, पार्टीज़ में वेलकमिंग ड्रिंक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, और अभी बारबेक्यू पार्टी हो, गर्म में कुछ हो, तो गर्मी में ये आपको वेलकमिंग ड्रिंक के तौर पे अगर मुझे नज़र आए तो मैं तो इसको नहीं छोड़ सकती। तो ये देखें कि बेसिक जो ड्रिंक था वो जिस तरह का हमारा लेमनेड या शिकंजवी होती है वो है, सिर्फ उसमें मिंट को हमने ऐड किया, और जो हमने थोड़ी सी इसमें वेरिएशन कर दी, हमने स्ट्रॉबेरी के साथ बनाया इसको, वाटरमेलन के साथ बनाया, मैंगो के साथ बना सकते हैं, कोकोनट के साथ बना सकते हैं, इसको अपनी पसंद के किसी और भी फ्रूट के साथ आप इसको बना सकते हैं। अगर आपके पास इससे भी ज़्यादा कोई अच्छी रेसिपी है तो अपनी जो रेसिपी है हमारे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और तब तक के लिए मुझे समीना कुज़ैर को आप जो है वो यहाँ से किचन से इजाज़त दीजिएगा, और अपना ख्याल रखिएगा, और अपना फीडबैक मुझे देते रहिएगा। आपकी दुआओं का, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। आपकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।